दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल पवार ब्रदर्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज आपके सामने हरियाणा की जान मान और शान तीनों स्कॉर्पियो, अपने अपने टाइम की माफिया क्वीन, ये पुरानी, ये थोड़ी उससे नहीं, और ये जो हाल फिलहाल में चल रही है S11। तो मैं आज अपनी वीडियो में तीनों का कंपैरिजन करके बताऊंगा इससे क्या इसमें चेंज आया, क्या इससे इसमें चेंज आया। तो देखते रहो वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगेगी और बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है स्कॉर्पियो लवर्स के लिए कि क्या चेंज किया गया, क्या चेंज नहीं किया, इसकी लाइट से लेके इसका सारा कुछ मैं अपनी इस वीडियो में आपको बता दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी S11 से। तो अब मैं बात करूँ इसके लाइट की, अलॉय व्हील्स की, तो इसमें कुछ इस तरह के अलॉय व्हील दे रखे हैं, आप देख सकते हो। फिर अब दूसरी S10 में के अलॉय व्हील दिखा दूँ आपको, इसमें कुछ इस तरह के हैं। अब S11 के दिखा दूँ मैं आपको, जो इस तरह के कुछ S11 में आपको अलॉयज मिलेंगे, ब्लैक कलर के करा रखे हैं, वैसे सिल्वर फिनिश में मिलते हैं। अब मैं बात करता हूँ इसके साइड, इसकी जो ये है स्कॉर्पियो की लाइट की, तो इसमें कुछ इस तरह की लाइट है। इन दोनों की लाइट सेम है, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आती है इन दोनों में, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं, सेम है। बस जो पुरानी वाली है उसमें थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा क्या पूरी चेंज है। अब मैं एक बार आपको साइड लुक दिखा देता हूँ अपनी इसकी S11 की, कुछ इस तरह से आपको बिल्कुल माफिया क्वीन लगती है ब्लैक कलर में। तो ये हमारे पास वाइट में, और ये एक दोस्त है मेरा, उसकी गाड़ी है ब्लैक वाली, हमारे घर वाले लेने नहीं देते ना ब्लैक कलर की चीज़। तो अब इसकी दिखा दूँ मैं आपको साइड की लुक, ये भी कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। अब मैं बैक लुक दिखा दूँ आपको तीनों गाड़ियों की, इसमें कुछ इस तरह से दे रखी है पहले, फिर ये है अपनी S10, फिर आपको S11 मिलती है इस तरह से। तो अब मैं बात करूँ इनकी लाइट्स की, तो कुछ इस तरह की इसमें लाइट दे रखी है। पहले जो अपनी आती थी उसमें पूरी बड़ी लाइट आती थी और काफ़ी अच्छी लगती थी ये, पहले एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं थी गाड़ी में। और अब मैं बात करता हूँ अपनी S10 की, तो कुछ अब इसमें ऐसे करती थी, 2015 में ये चेंज करती थी, पूरी चेंज करती थी ये दे दी, और इसमें साइड में LED ऐसे कुछ दिया दे दी थी हमें, ये भी काफ़ी अच्छी लगती है। और S10 है ये अपने टॉप मॉडल, 2015 मॉडल स्कॉर्पियो, आप साइड लुक देख लो, आपको बिल्कुल मस्त गाड़ी लगती है। और अब ये है आपके सामने S11, इसमें क्या है, ये रेड कलर की कर दी पूरी लाइट, और ज़्यादा कुछ चेंज किया नहीं है, बाकी दोनों सारी चीज़ें ये सेम है, लाइट्स में बस ये चेंज है, यहाँ से सिल्वर है और ये पूरी रेड कर दी गई है। ये अपना स्कॉर्पियो S11 टॉप मॉडल है, आप देख सकते हो दोस्त, काफ़ी अच्छी लग रही है। दोस्तों मैं बात करता हूँ साइड लुक की, तो साइड लुक आपको S11 है जो कुछ इस तरह की दे रखी है, काफ़ी अच्छी लगती है हमें ये। और S10 है जो उसमें भी डिट्टो ऐसी दे रखी है, कोई चेंज नहीं है, साइड लुक में आपको ऐसे ही मिलेगी। अब आपको 2013 मॉडल की भी दिखा दूँ मैं, उसमें कुछ इस तरह की आपको साइड लुक दे रखी है। साइड लुक तो इन्होंने तीनों में ही सेम दे रखी है, जैसा कि आप देख सकते हो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है साइड लुक में, बिल्कुल सेम, बस आगे से बम्पर वगैरह ये चेंज किए हुए हैं। अगर इनके साइड मिरर की, तो ये कुछ सेम ही है, मतलब जो अपने जो पुरानी आती थी उसमें और जो नई है कुछ भी डिफरेंस नहीं है, साइड मिरर एकदम सेम है। जो अब की बार आई है S11, उसमें आपको यहाँ पे लाइट दी जाती है, तो वो काफ़ी अच्छी लगती है, लाइट काफ़ी अच्छी लुक बनाती है। और जो पुरानी वाली है S10, उसमें भी नहीं है, कोई कंपेरिजन नहीं है। तो बात करते हैं अपने इंटीरियर की, तो पहले अपनी पुरानी वाली का इंटीरियर मैं आपको दिखाता हूँ, तो आपको कुछ इस तरह का इंटीरियर आपको देखने को मिलेगा, जो काफ़ी अच्छा लगता है, उस टाइम पे भी काफ़ी अच्छा है इसका गेयर, वो गेयर है। तो मैं इसके बात करूँ इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो ये मैंने आफ्टर मार्केटिंग लगवाया, पहले टच वाला नहीं आता था। तो AC वेंट्स भी कुछ इस तरह के दे रखे हैं, आपको साइड में भी दे रखा है। अब एक बार ये मिरर वगैरह सारा कुछ, आपको मीटर है, काफ़ी अच्छा मीटर लगता है, पहले भी काफ़ी मस्कुलर लगती है कार, बिल्कुल चलाने में ऐसा लगता है कि हाँ भाई कहीं बैठे हैं हम, अपना कहीं चला रहे हैं। तो अब इसके साइड मिरर के यहाँ पर बटन वगैरह दे रखे हैं, यहीं से आपको घुमाने को मिलेगा, देख लो एक बार अच्छे से। ये आपको हैंड ब्रेक दे रखे हैं यहाँ पे, यहीं से आपको ये बटन मिलेंगे, और ये AC वेंट्स पीछे दे रखे हैं, आप चलते तो है नहीं, ख़राब हो गए। ये आपको कुछ इस तरह का पीछे का स्पेस मिलेगा, ये आपको लाइट दे रखे हैं यहाँ पे। तो अब बात करते हैं अपनी S10 का, वो तो पुरानी वाली का, अब ये जो 2015 मॉडल है उसका दिखा दूँ आपको इंटीरियर, इसमें क्या चेंज किया है, क्या चेंज नहीं किया। ये इसका पूरा A to Z इंटीरियर चेंज कर दिया है, ये काफ़ी अच्छा इंटीरियर है एकदम, मतलब कहते हैं ना कुछ अच्छा वो है। ये आपको कुछ इस तरह के सिल्वर फिनिश में आपको साइड में दे रखी है, इस इवेंट्स के काफ़ी अच्छे लुक देता है। यह आपको इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, यहाँ पे सारी चीज़ें आती है, गियर बॉक्स ये वो है गियर का। ये आपको हैंड ब्रेक दे रखी है यहाँ पे, ये AC वेंट्स है पीछे,
काफ़ी अच्छा इसमें स्पेस दे रखा है। कंफर्ट के लिए तो थोड़ी सी मार खाती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। कार में हाथ बम्पर वगैरह सारा कुछ दिखता है। ये कुछ इस तरह से आपको मीटर दिखेगा। इस क्रोम फिनिश में अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। और ये आपको यहाँ पे कुछ उस तरह दे नहीं रखा है, यहीं से हो जाएगा। अब बात करते हैं S11 की, तो इसमें देखते हैं क्या चेंज है क्या चेंज नहीं है, तो बने रहो वीडियो में। करते हैं अब अपने S11 है जो स्कॉर्पियो, उसके इंटीरियर की। तो कुछ इस तरह का आपको S11 का इंटीरियर दे रखा है। एक बार स्टार्ट कर देता हूँ मैं गाड़ी को, गर्मी लग रही है, फिर देखते हैं। और आप देख रहे हो मीटर, ये अपना सारा इंफोटेनमेंट सिस्टम काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल सेम है, कोई इसमें ज़्यादा चेंज नहीं है, ज़्यादा क्या कुछ भी चेंज नहीं है, सारा कुछ वही दे रखा है। मिरर वगैरह सारी चीज़ें जो अपनी S10 में है वही इसमें दे रखा है। तो आप देख सकते हो ये सारा कुछ अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये इसमें क्या है, वीडियो प्लेट चल जाती है। तो इसमें 6 गियर दे रखे हैं और ये हैंड ब्रेक है अपनी, ये आपको पायलट सीट दे रखी है, दो काफ़ी कंफर्टेबल के लिए इस बार महिंद्रा ने अच्छा काम किया है। ये लाइट वगैरह सारी चीज़ें, तो इनमें और कंपैरिजन करके मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो होगी S10 और S11 की, उनमें दिखाऊंगा कि कौन से में क्या अच्छा है। एक बार आपको इसकी बैक दिखा देता हूँ कि बूट स्पेस किस हिसाब से, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये सीट वगैरह हटानी पड़ेगी तो आपको कुछ रखने को मिलेगा। अब अपनी S10 की बात करें तो इसमें आपको मिल जाएगा अच्छा खासा बूट स्पेस। ये मैंने सीट ऊपर कर रहा है तो इसमें काफ़ी अच्छा अपने को बूट स्पेस मिलेगा, कुछ भी सामान हम रख सकते हैं। और अपने बात करता हूँ पुरानी वाली स्कॉर्पियो की, तो उसमें कुछ ये तो अपने घर पे रखे, खेतों के लिए रख रखे, इसमें तो देखो कितनी गंदी हो रही है, इसकी कोई सफाई भी नहीं करता, सामान वगैरह लाते हैं इसमें, इस वजह से थोड़ी सी गंदी हो पड़ी है। तो काफ़ी इनमें सेम है, बूट स्पेस कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तीनों गाड़ी अपनी अपनी जगह मस्त है एकदम कोई। तो दोस्तों धन्यवाद देखने के लिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।